नादिर सिगरेट छोड़ने का जबरदस्त तरीका। एक शख्स जब सिगरेट नहीं छोड़ रहा था, उसने अपने सर पर एक पिंजरा पहन लिया। उस पिंजरे की चाबी अपने बेगम को दे दी। उसकी बेगम पिंजरा सिर्फ तब खोलती जब उसको खाना देना होता था, नहीं तो उस शख्स का चेहरा पूरा दिन उस पिंजरे के अंदर बंद रहता ताकि वो सिगरेट ना पी सके। नादिर, यह वाकया है तुर्की का। यह बात है 2013 की। 2013 में एक शख्स के वालिद साहब बहुत ज्यादा सिगरेट पीने की वजह से फेफड़ों का शिकार हो गए। फेफड़ों के शिकार की वजह से वो अल्लाह को प्यारे हो गए। नादिन, जब अल्लाह को प्यारे हो गए तो उनके बेटे ने अपने आप से वादा किया कि मेरे वालिद साहब सिगरेट पीने की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए, अब मैं भी सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। लेकिन वो कई सालों से सिगरेट पी रहा था, वो सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा था। आखिरकार उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आइडिया यह है कि उसने अपने मुंह के लिहाज से एक पिंजरा बनाया। उसने वो पिंजरा पहन लिया, उस पिंजरे को मुंह पर पहना, पिंजरे के साथ एक ताला भी लगाया। उस ताले की चाबी अपनी बेगम को दे दी। अपनी बेगम से कहा कि जब भी मुझे खाना का वक्त हो तो मेरे सामने खाना रखो, तो इस पिंजरे को खोल दो ताकि मैं खाना खाऊं, फिर इस पिंजरे को बंद कर दो। नादिर, उसके बाद उसकी बीवी ने उसकी भी ना सुनी। जब वो खाना कहता कि पिंजरा खोलो, मैंने सिगरेट पीना है, तो उसकी बीवी पिंजरा नहीं खोलती थी। नादिर, पिंजरा सिर्फ तब भी खोला जाता जब उसने खाना खाना होता, उसके बाद इस पिंजरे को बंद कर दिया जाता। नादिर बहुत सालों से जो सिगरेट पी रहा था, सिगरेट छोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन ये नहीं छोड़ रहा था। लेकिन इस तरीके के बाद उसने अपने चेहरे पर जो पिंजरा लगाया था, इसे सिगरेट छोड़ दी है। नादिनी, आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। क्या यह सही तरीका है सिगरेट छोड़ने का या गलत है? अगर आपका कोई दोस्त सिगरेट पीता है तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, इसको बताइएगा कि यह एक बेहतरीन तरीका है सिगरेट छोड़ने का।